आज मैं आप सभी के साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि अभी ट्रायम्फ स्पीड 400 ज़्यादा प्रेफरेबल है या फिर स्क्रैम्बलर 400X। अभी जैसा मार्केट में दिख रहा है, ट्रायम्फ स्पीड 400 तो उतना पॉपुलैरिटी नहीं मिल रहा है, क्योंकि जितना आप पे कर रहे हो उसके हिसाब से वो लुक्स में बहुत छोटा दिख रहा है, लेकिन उसका पावर कोई नहीं देख रहा है। और स्क्रैम्बलर 400X थोड़ा बल्की दिख रहा है और थोड़ा एजाइल भी है, बट सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये हो जाता है कि स्क्रैम्बलर 400X शॉर्ट राइडर्स के लिए बहुत ही इश्यूज क्रिएट कर सकता है, क्योंकि सब राइडर्स तो एडवांस राइडर्स नहीं होते हैं ना। ऐसा नहीं है कि स्क्रैम्बलर 400X पूरी तरह से टूरिंग अनेबल्ड ही है। हाँ, टूरिंग के लिए ठीक है, उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करोगे तो टूरिंग के लिए प्रॉपरली वो रेडी हो जाएगा। सेम गोज फॉर स्पीड 400 एज वेल। चलो आज तो राइड करते करते देखो यार, पुलिस ने चेकिंग के लिए पकड़ लिया। पहली बार मेरी स्पीड 400 में मुझे पुलिस की चेकिंग करानी पड़ रही है। और हाँ दोस्तों, सब पुलिस वाले भैया लोग ख़राब नहीं होते, ये बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही कामली मेरे से क्वेश्चंस पूछे और इनका सारा क्वेश्चंस का आंसर दिया और गाड़ी के बारे में भी मैंने बताया। और स्पीड 400 में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो वो पूछ रहे थे कैसा परफॉर्मेंस है, कितने सीसी की बाइक है। इवन आसपास के दुकानदार भी पूछ रहे थे कि माइलेज कितना देती है। सो मैं बंगाली में इसमें बोला हूँ, शायद आपको जो बंगाली होंगे वो समझ जाएंगे। पूछ रहे थे कितने दूर कंटिन्यू कितने घंटे चला सकते हो, मैंने तो बोल दिया 7-8 घंटे। स्पीड तो चौड़े मैंने 140-160 आमी का ऑटो स्पीड नहीं है जैसे पारी ना 130 अब भी नहीं है। कैसे करोगे बाइक पे? नहीं बुला काफ़ी है। कंटिन्यू कौन घंटे चल रही? कंटिन्यू चले जाए 7-8 घंटा आराम से चले जाए। फॉग लाइट गुलो सब गाड़ी दिए दी थी ना? ना ना अलग इंस्टॉल करे। स्पीड 400 तो सिटी के लिए बेस्ट है। ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर हम लोग बाइक तो सिटी में ही चलाते हैं। कभी कभी हम लोग निकल गए लॉन्ग राइड पे, साल में एक बार या दो बार हुआ, ऐसे बाकी समय तो हम लोग शॉर्ट राइड्स पे ही जाते हैं। तो आप सब लोग कमेंट करके बताओ आप लोगों का क्या राय है, आप लोग कौन सा बाइक प्रेफर करोगे, स्पीड 400 या स्क्रैम्बलर 400X। स्क्रैम्बलर 400X में मैं जब बैठ के देखा ना, तो मुझे वैसा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरे पांव ठीक से पहुंच नहीं रहे थे। तो यार एक सबसे बड़ा चीज़ होता है कि आपके पैर प्रॉपरली रोड पे टच कर रहा है कि नहीं। अगर इस तरह का टिपटो होता है ना, तो बहुत बहुत कॉन्फिडेंस में कमी आ जाती है मेरे जैसे राइडर्स को स्पेशली। सो हाँ यार, आप सब लोग कमेंट करके बताओ आप सबका राय क्या है स्क्रैम्बलर 400X एंड स्पीड 400 में, क्योंकि स्पीड 400 अभी बहुत पॉपुलैरिटी खोते जा रहा है और इससे थोड़ा लगता है यार, क्योंकि स्पीड 400 ऐसा नहीं है कि बहुत ही ख़राब बाइक है, बहुत ही अच्छी बाइक है यार स्पीड 400। सब कोई एस्थेटिक्स में जाके देख रहे हैं ना इसको ऐसे इस तरह से, क्योंकि स्क्रैम्बलर 400X एक अलग ऑप्शन मिल गया है उनको टूरिंग के लिए। बट जिनका हाइट शॉट है वो लोग बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को देख के ये राय बदल दे रहे हैं अपना कि मैं स्पीड 400 क्यों लूँ जब मैं स्क्रैम्बलर 400 ले सकता हूँ। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैप्पी राइडिंग।